अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक देसी स्वीट डिश जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। हम ये रंगीन सोयों का बनाएंगे ज़रदा। ये हमने थोड़ा सा घी ले लिया है और इसमें अब हम डाल देंगे सोया और इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत मज़े का बनता है और मुझे तो बहुत बहुत पसंद है। और जब भी मेरा कुछ मीठा खाने का दिल होता है मैं घर पर ये बना लेती हूँ। ये तकरीबन अभी हमारा आधा मिनट हुआ है जब हमने इसको हल्का हल्का फ्राई किया। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। इसका एक फ़ायदा यह है कि ये बहुत जल्दी बनती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें आप सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं। जब हम अब घी गर्म करने लगेंगे तब हम इसमें सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं। मेरे पास इनकी अभी अवेलेबल नहीं थी और मैंने जल्दी जल्दी बनाना था क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली। ये जब हमारी चीनी पिघलने लग जाएगी तो हमने इसमें डालना है एक कप पानी और इसको पानी डाल के हमने ये जो किनारों पे लगी हुई है ये सारी उतार के अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। ये बॉईल होना पानी स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें एक चुटकी डाल देंगे नमक। मीठा मैंने कम ही डाला है। आप इस पॉइंट पे मीठा चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको मीठा कम लगे तो आप इसमें और चीनी ऐड कर सकते हैं। हमने क्योंकि अभी नमक ऐड किया था तो अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा स्टर और अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने देंगे। आंच हमने इसकी मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी और ज़्यादा लो भी नहीं रखनी और इसको अब हम पकने देंगे। ये रेसिपी है मेरी सबसे बड़ी सिस्टर की जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की मम्मा है उनकी रेसिपी है। उनको माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग आती है और वो तो एक्सपर्ट हैं। इवन कि वो 30-30, 25-25 बंदों का खाना अकेली बना देती हैं। जब उनके घर में दावत होती है माशाल्लाह से उनकी कुकिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो आज मैं भी उनकी ही रेसिपी से ये बना रही हूँ। ये देखें ये बॉईल होना स्टार्ट हो गई है। अब हमने ये मलाई दूध से निकाल के रखी हुई है, पिटकी हुई है, क्योंकि हम लोग देसी घी और मक्खन भी घर पर बनाते हैं तो इसके हमने तकरीबन 2 चम्मच इसमें ऐड कर देने हैं। इसको हम इसी में मिक्स कर रहे हैं ताकि जो हमारा चम्मच पे मलाई लगी है वो भी इसी तरह अच्छी तरह हल हो जाए। और ये देखें अभी हमारी झटपट स्वीट डिश तैयार भी होने वाली है। ये देखें ये पानी आहिस्ता आहिस्ता हमारा खुश्क होने लग गया है। इसको हम दोबारा ढक्कन दे के कुक होने देंगे। देखें ये कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं और ये बस अब तैयार होने वाली हैं 1-2 मिनट में। तो आएँ अब हम आगे देखते हैं कैसे बनती हैं। पानी हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है तो अब हम इस पर ढक्कन देके इसको 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। और जब ये 5 मिनट के बाद दम खोलेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये फाइनल में कैसे बनी है। ये हमने अब दम के बाद कर ली है सर्व और ये बहुत मज़े की लग रही हैं। आपने रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। शुक्रिया। और मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो।